का कामकाज निपटाकर अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस की ओर चली थी अंजलि कि घर से निकलते ही पिताजी की आवाज सुनाई पड़ी कि बहू जरा ये चश्मे साफ तो कर देना। अंजलि को थोड़ा सा गुस्सा आया लेकिन हड़बड़ाती हुई चश्मे साफ करने पहुंची भी। उस दिन भी ये काम करते करते उसे थोड़ी सी देरी हो गई तो ऑफिस देर से पहुंची। अगले दिन से उसने पति की सलाह मान ली, सुबह उठते ही पिताजी के चश्मों को साफ करके उन्हें दे दिया करती। लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी की ये आदत, उनकी पुकार ये न थमी, हमेशा सुनाई पड़ता घर से निकलते हुए कि बहू जरा चश्मे साफ तो कर देना। एक दिन ऐसा भी आया कि समय न होता तो अंजलि ने पिताजी की पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन अंजलि ने छुट्टी ली थी, बच्चे की स्कूल जाना था। उस दिन घर की साफ सफाई करते हुए पिताजी की डायरी उसके हाथ लग गई, जिसमें तारीख के साथ एक पन्ने पर लिखा हुआ था कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ बाप के आशीर्वाद लेने का समय भी नहीं होता, और तभी जब तुम चश्मियों की साफ करके मुझे देने के लिए झुकती हो ना, तो मन ही मन मैं अपने आशीर्वाद रूपी हाथ तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। वैसे भी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पिताजी आज जा चुके हैं और इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुबह उठते ही और घर से निकलने से पहले अंजलि पिताजी के चश्मों को साफ करना नहीं भूलती। शायद अब जो हाथ दिखाई नहीं देते और मन ही मन आशीर्वाद देते हैं उन्हीं आशीर्वाद की लालच में। अर्थात रिश्तों का मोल तभी ज्यादा समझ आता है जब वो लोग साथ नहीं होते, और जब तक वो लोग साथ हैं करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, और दूर उतना ही जाओ कि आने का इंतजार रहे।